हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास नाइन, क्लास नाइन में आपके बायोलॉजी विषय में जो संयोजी ऊतक चल रहे हैं, जिसमें आप लोगों ने संयोजी ऊतक के अभी तक पांच प्रकार पढ़ लिए हैं, उसमें से एक प्रकार जो है संयोजी ऊतक का रह रहा था, जो कि आज के वीडियो में करेंगे। उसके बाद संयोजी ऊतक के प्रकारों में ही आपका अस्थि और उपास्थि दोनों में क्या भिन्नता होती है वो भी पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं संयोजी ऊतक का सिक्स पॉइंट का जो प्रकार है, वशामय ऊतक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एडिपोज टिश्यू। तो क्या होता है और इसका क्या कार्य होता है ये देखते हैं। वसा का संचय करने वाले ऊतक को वशामय ऊतक कहते हैं, यानी हमारे शरीर में हमारे भोजन द्वारा ग्रहण की गई जो वसा होती है, जो फैट होती है, उसको वसामय ऊतक क्या करते हैं, संचय करते हैं। फैट सामान्यतः जैसे आप समझिए चिकनाई वाली, जो चिकनाई वाले पदार्थ होते हैं जैसे तेल, घी, वनस्पति तेल, इस प्रकार के जो खाद्य पदार्थ चिकनाई वाले हैं, उन्हें वसा, वो वसा से भरपूर होते हैं, उन्हें वसी पदार्थ भी कहा जाता है। तो ऐसे पदार्थ जो हम अपने भोजन में ग्रहण करते हैं, उन पदार्थों से प्राप्त वसा को वसामय ऊतक संचय करते हैं। तो उस वसा का संचय करने वाले जो ऊतक होते हैं वो वसामय ऊतक कहलाते हैं। यह ऊतक त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों के बीच में पाया जाता है, यानी जो शरीर के आवरण को ढकने वाला बाह्य अंग त्वचा होता है, उस त्वचा के नीचे की जो परत होती है, त्वचा के बाद का जो हिस्सा होता है, उस हिस्से में वसामय ऊतक पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त वसा के नीचे जो अंग होते हैं, उन अंगों के बीच बीच में जो खाली स्थान होता है, उस अंगों के बीच खाली स्थानों में वसामय ऊतक उपस्थित होते हैं। इस ऊतक की कोशिकाएं वसा की गोलिकाओं से भरी होती हैं, यानी जो वसामय ऊतक होता है उसकी जो गोल संरचनाएं होती हैं, जो गोलियां होती हैं, गोलिकाएं होती हैं, वो फैट से भरी होती हैं, वसा से भरी होती हैं। तो वसामय ऊतक, समझ पाए कि जो वसामय ऊतक होते हैं ये त्वचा के नीचे उपस्थित अंगों के बीच खाली स्थानों में पाए जाते हैं, और उन्हीं खाली स्थानों में जो वसामय ऊतकों की जो कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिका, क्योंकि सभी ऊतक कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं, सभी ऊतक जो है, सभी ऊतकों का निर्माण कोशिकाएं करती हैं, क्योंकि किसी भी जीव संरचना की सबसे छोटी जीवन की जो इकाई है वो कोशिका है। कोशिका के द्वारा ही जीव संरचना का आधार बन करके निर्माण होता है। तो इन ऊतकों का निर्माण भी कोशिकाएं करती हैं। तो जो वसामय ऊतक की कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं में वसा से बनी हुई गोलियां या गोलिकाएं भरी होती हैं। तो वही लिखा है कि वसामय ऊतकों की कोशिकाएं वसा की गोलिकाओं से भरी होती हैं। अब हम देखते हैं जो वसामय ऊतक होते हैं उनका क्या कार्य होता है। तो ये जो ऊतक हैं, वसामय ऊतक, ये हृदय, वृक्कों, नेत्र, गोलकों को झटकों, धक्कों से सुरक्षा प्रदान करती हैं। यानी हमारे शरीर में किसी न किसी कार्य करने के दौरान या किसी दुर्घटना, चोट के दौरान लगने के समय हमारे शरीर के जो बहुत ही महत्वपूर्ण अंग हैं उनमें धक्के और झटके लगने की संभावनाएं होती हैं।
तो उन झटके और धक्कों से बचाने का काम करते हैं वसामय ऊतक। और वो कौन कौन से महत्वपूर्ण अंग हैं? हृदय, हार्ट, वृक्क, वृक्क किडनी को कहा जाता है, और तीसरा है नेत्र गोलक, यानी कि जो हमारे आंखों का बॉल होता है, आई बॉल जिसको कहते हैं, नेत्र गोलक, जिसके कारण हमारे आंखों की संरचनाओं का निर्माण होता है और आंखें विकसित होती हैं। तो ये जो अंग हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण अंग हैं, और इन अंगों को झटके और धक्कों से बचाने का काम वसामय ऊतक करते हैं, यानी इन सब बाहरी आघातों से बचाकर हमारे इन अंगों को सुरक्षा प्रदान करते हैं वसामय ऊतक। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है वसामय ऊतक का, कि हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंग जो हैं उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं, बाहरी आघातों से रक्षा करते हैं। तो आपका जो वसायोजी ऊतक के जो छह प्रकार होते हैं, जिनमें आपने छेव प्रकार क्रम से, जिसमें आपने सबसे पहले रुधिर और रुधिर के बाद अस्थि, अस्थियों के बाद स्नायु एवं कंडरा, उपास्थि, एरियोलर संयोजी ऊतक और वसामय ऊतक, सभी के बारे में और सभी के कार्यों के बारे में पढ़ लिया है। तो इस प्रकार इस वसामय ऊतक के साथ ही हमारे संयोजी ऊतक के प्रकार समाप्त होते हैं, संयोजी ऊतक टॉपिक समाप्त होता है। अब हम इसी संयोजी ऊतक में, एक हमारा संयोजी ऊतक था अस्थि और दूसरा था उपास्थि, उसमें अंतर पढ़ते हैं। दोनों देखने में एक जैसे ही प्रतीत होते हैं, परंतु दोनों ही संयोजी ऊतक हैं और देखने में एक जैसे हैं, परंतु ये कार्य और संरचना के आधार पर इनमें भिन्नता होती है। तो वो देखते हैं क्या भिन्नता होती है। एक तरफ जो है अस्थि और दूसरी तरफ उपास्थि, जिसमें अस्थि में सबसे पहला देखते हैं कि अस्थि जो होती हैं, जो अस्थियाँ होती हैं, अस्थियों को हड्डियाँ भी कहते हैं, तो अस्थियाँ कैसी होती हैं? सख्त एवं दृढ़ होती हैं। यानी जो हड्डियाँ होती हैं ये हमारे शरीर में यांत्रिक सहारा प्रदान करती हैं। हड्डियों का कार्य होता है यांत्रिक सहारा प्रदान करना, मजबूती दृढ़ता प्रदान करना। तो हड्डियाँ स्वयं जब मजबूत और सख्त दृढ़ कठोर होंगी, तभी वो किसी जीवित जीव को, किसी जीवधारी को यांत्रिक सहारा प्रदान कर पाएंगे। इसके विपरीत उपास्थि कैसी होती हैं? दृढ़ एवं लचीली होती हैं। यानी उपास्थियाँ भी कठोर मजबूत होती हैं, परंतु ये लच सकती हैं, फ्लेक्सिबिलिटी होती है इनमें, लचीली होती है, जबकि हड्डियाँ लचीली नहीं होती हैं। हड्डियाँ लचती नहीं है, मजबूत एवं कठोर होती हैं, जबकि उपास्थि जो होती हैं वो कठोर होने के बावजूद भी इनमें फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है, लचीली होती हैं। इसके बाद अगला पॉइंट देखिए, इसके अधात्री में कार्बनिक पदार्थ कांड्रिन होता है, यानी जो अस्थियों को निर्मित करने वाला अधात्री है, मैट्रिक्स है, उसमें कार्बनिक पदार्थ कांड्रिन नाम का पाया जाता है। और जबकि इसके विपरीत उपास्थियों में क्या होता है, उपास्थियों का जो मैट्रिक्स होता है, अधात्री होता है, उसमें कैल्शियम फास्फेट नामक कार्बनिक पदार्थ होता है। ये अंतर है। तीसरा देखिए, इसमें रुधिर संचरण होता है, यानी अस्थियों में रुधिर का संचरण होता है, जबकि उपास्थियों में ऐसा नहीं होता है। ये चौथा अंतर है। तीसरा है, चौथा ये लिखा है, अस्थि पंजर कंकाल का निर्माण करती हैं, यानी जो अस्थियां होती हैं ये मनुष्य के या किसी जीवधारी के शरीर का शारीरिक ढांचा बनाने के लिए कंकाल बनाती हैं, और उसी कंकाल के ऊपर जो है अनेक प्रकार की मांसपेशियां, पेशियां और अन्य अंग जो है बन करके पूर्ण विकसित शरीर का निर्माण करते हैं। यानी हड्डियों का काम होता है कंकाल बनाना, पंजर बनाना, यानी कि ढांचा बनाना,
जबकि उपास्थियाँ जो हैं ये अस्थियों के जोड़ों को चिकना बनाती हैं। जिस प्रकार से जो है किसी मशीन के पुर्जों को चलाने के लिए ग्रीसिंग करना आवश्यक होता है, उसी प्रकार से एक हड्डी से दूसरी हड्डी के बीच को जोड़ वाला जो हिस्सा होता है, उस जोड़ वाले हिस्से पर ये आपकी जो उपास्थियां हैं ये चिकना बनाती हैं। यानी जोड़ वाले हिस्से पर ये उपास्थियां उपस्थित होती हैं। संयोजी ऊतक की जो है कोशिकाओं के बीच जो पर्याप्त खाली स्थान होता है, उन खाली स्थानों पर ये उपास्थियां उपस्थित होती हैं और एक हड्डी से दूसरी हड्डी के जोड़ को चिकना बनाने का काम करती हैं, जिससे क्या होता है कि हड्डियां घिसती नहीं हैं और टूटने की कम संभावना रहती है। तो ये अंतर था अस्थि और उपास्थि में अंतर। तो आप अपनी कॉपी पर वसामय ऊतक और अस्थि और उपास्थि में अंतर दोनों को फेयर करना। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अब आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में जो हमारा अगला ऊतक है जंतु ऊतक, पेशी ऊतक यानी कि मैस्कुलर टिश्यूज, उसके बारे में बात करेंगे।